हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। यूट्यूब पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फिलिप्स रेडियो। फ्रेंड्स, ये वाल वाला रेडियो है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये कुरियर से मंगाया मैंने फ्रेंड्स, कितने रुपए में मंगाया, कितने में बाई किया वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसके आते टाइम पे मेरे साथ क्या वो भी बताऊँगा फ्रेंड्स। लास्ट तक वीडियो देखना, स्टॉप करके नहीं देखना वीडियोस। और फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपको बताऊँगा कि आप कैसे बाई करेंगे, इसके अंदर वाल कैसे होता है, कहाँ से पावर चालू होता है, कहाँ से वाल ख़राब हो जाता है, कहाँ से आवाज़ आता है, यहाँ पर उसका ऑन ऑफ बटन, सब बटन सब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँगा। आपको को दिखाता हूँ मैं अभी, देख सकते हैं। देखो ये यहाँ पर उसका जाली है, प्लास्टिक का पूरा, मतलब प्लास्टिक का बना है फ्रेंड्स ये पूरा। और दूसरी बात फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बटन है उसका वॉल्यूम का, और यहाँ पर उसका सेट करने का है, मतलब चैनल सेटिंग करने का है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐसे एंटीना का, और यहाँ पर उसका ये अपना स्टेशन चेंज करने का है, पॉट 1 2 शॉर्ट वेट 2 शॉर्ट 3 ऐसे बैंड का है फ्रेंड्स ये पूरी तरह। और ये अभी थोड़े अभी ये फ्रेंड्स ये बोलना चाहता हूँ कि ये अभी तक चालू नहीं है, मैं इसको बनाने के लिए लेके जाऊँगा अभी कल परसों, अभी लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हो रहा है ये। उसके लिए मैं बोला पहले एक वीडियो बना देता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसके अंदर का दिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा बाहर का फोटो दिखाता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ, आज मैं इसके अंदर का फोटो दिखाऊँगी, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आप कैसे संभाल के बाय करेंगे, मैं इसके अंदर का दिखाता हूँ। चारों कॉर्नर से हमेशा रेडियो देखना फ्रेंड्स, कहाँ से भी मंगाएंगे तो चारों, मतलब ये साइड में और ये साइड में देखना, और ऊपर से और नीचे से कहाँ से टूटा बिटा नहीं है। मेरे साथ हुआ था एक बार, मैंने आपको वीडियो लास्ट वीडियो में देख लेना, एक है मेरा वीडियो, उसमें से मैंने उसके अंदर बनाया हूँ। अब मैं इसको टर्न करके दिखाता हूँ, अब मैं इसको टर्न करता हूँ, एक मिनट आप देख लेना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको टर्न कर दिया, मैंने वीडियो को स्टॉप करके टर्न किया क्योंकि मेरे को नहीं जम रहा था, उसके लिए मैंने वीडियो को स्टॉप करके इसको टर्न किया। देखो, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका कवर है, बस यहाँ से गया है। मैं बताऊँगा यहाँ पे आप उनको कैसे रिपेयर करना है, मतलब ये साइड में ऐसा पूरा पैक हो जाएगा, मतलब ऐसे ही डिज़ाइन यहाँ पर भी आ जाएगी, मैं आपको वीडियो में एक दिन बताऊँगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं भी आपको बता दूँगा कि कैसे किया जाता है। मैं अब इसके अंदर का दिखाता हूँ। देखो, मैंने इसके अंदर के स्क्रू होते वो निकाल लिए, 1 2 यहाँ पे होता है स्क्रू, दोनों निकाल के रखे, क्यों आपको दिखाने के लिए मैंने वो निकाल के रखा है कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना सके। देखो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसके अंदर का, देखो सब आपको अंदर दिख रहा है, देख सकते हैं। स्पीकर पहले चेक करने का, उसका स्पीकर अच्छा है कि नहीं, मैं जूमिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखो उसमें से फ्रेंड्स पहले चेक करना है कि अंदर का स्पीकर फटा विटा नहीं क्या। स्पीकर का ही 250 रुपये चार्ज लगता है, मैं बताना चाहता हूँ कि बनाने के लिए अच्छा से अच्छा स्पीकर। और नॉर्मल ये वाल होते हैं ये फ्रेंड्स, ये टूटे नहीं थे, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी वो टाइम पे मैंने मंगाया कुरियर से। देख सकते हैं इसके अंदर एक वाल लगे हैं, ये कांच की डिब्बी, मतलब होती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये रेड होएंगे ना उतना अच्छा, वो धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे, मतलब रेड होते जाएंगे ना, वैसे उसके अंदर से आवाज़ बहुत प्यारा आता है फ्रेंड्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ई सीरीज़ के होते हैं, ई सीरीज़ और यू सीरीज़ में बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा फिंगर्स के पास ही देखना फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर एंटीना का वायर लगाना होता है। ये देखो ये एलिमेंट के, देखो ये एल्यूमिनियम की डिब्बे, ये पीएफ बोलते हैं फ्रेंड्स। इससे फ्रेंड्स इसमें से ना कॉइल होता है, इसमें से अपना टेंशन पकड़ते हैं, इसमें से टोटल 1 होता पीएफ है फ्रेंड्स, और इसमें से आवाज़ आता है। और देखो यहाँ पर इसका टेंशन चेंज करने का है, उसके अंदर का होता है गोंग होता है एक टाइप का, मतलब यहाँ से ऐसे धीरे धीरे वो चेंज होते जाता है, मैं और जूमिंग करके आपको बता दूंगा धीरे से। और देखो ये उसका ट्रांसफार्मर, मतलब होता है कि ये इसके ऊपर से पावर आती है, और ये इसके अंदर ये ही ख़राब हुआ है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है। मैंने अपने मैकेनिक को पहले फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके बाद ही बाय करता हूँ। ऐसे आपने दिखाया ना उल्टा वाला फ़ोटो, पहले उसको खींच के भेजता हूँ, उसके बाद उसने यस बोला तभी मैं बाय करता हूँ, नहीं तो बाय नहीं करता हूँ। फ्रेंड आप भी किसके पास सीनियर से पहले पूछ लेना कि रेडियो लेना है कि नहीं लेना है, ऐसे ऐसे उसकी कंडीशन है, वो यस बोलेगा तभी फ्रेंड्स बाय करना, नहीं तो बाय नहीं करना। उसको उनको ज़्यादा पता होता है कि कितना खर्चा आएगा, कितना वाल। ये वाल की प्राइस 700-300 के बीच में होता है, सबसे लो प्राइस होती है 150 के आसपास आती है। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको संभाल के फ्रेंड्स, ऐसे ही निकालने टाइम पे मेरे हाथ से गिर गया था, एक वाल फूट गया था, बहुत महंगा आती, देख सकते हैं। मैं आपको वाल का दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ई एफ लिखा है, 89 इसका नंबर है फ्रेंड्स। ये संभाल के देखो, ये कांच की डिब्बी की तरह होता है फ्रेंड्स, कांच की तरह है, पूरी कांच की तरह है। इसके अंदर ही गर्म होएगा, लाल रेड कलर होएगा ना, तो ये मतलब हो जो मतलब अच्छी आवाज़ आएगी। मैं आपको चालू नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअली ये बंद है, ये गया उसके अंदर का, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। लाइट तो आएगी रेड रेड कलर की, मैं ये बोलना चाहता हूँ, नहीं चालू नहीं होएगा, इसका आवाज़ नहीं आएगा फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, देखो इसके अंदर का वाल है पूरे टोटल,
टोटल वाल कितने, 1 2 3 4 फोर मतलब 5 टोटल वाल होते हैं उसमें, आई बल्ब होता है उसको पकड़ के होते हैं 5 बल्ब। अब देखो यार ये इसका ये टोनिंग का एंटीना है, एंटीना ही जरूरी है, मतलब कॉइल होता है ये, देखो दोनों साइड संभाल के उसको चेक करके ही बाय करना। मैं अभी आगे का फ्रेंड दिखाता हूँ, देखना मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में रेडियो के बारे में मैंने सही बताया कि नहीं बताया, उसको डिसाइड करना है कि कैसे अभी रेडियो लेना है। ओके फ्रेंड्स, मैं अभी फ्रंट साइड का दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने आगे कर दिया है, अभी देख सकते हैं इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक आ गया, वो यहाँ से मेरे हाथ से ही क्रैक आ गया। ये कांच मैं दूसरा लगा दूंगा, वो मिल जाती कांच की देख के लेना फ्रेंड्स। देखो इसके बटन भी थोड़े टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बटन नहीं मिलते फ्रेंड्स, मिल जाएंगे कहाँ पर मुझे पता है कहाँ मिलेंगे, आपको तो पता है। देखो यहाँ पर उसका पियानो बटन बोला जाता है इसको फ्रेंड्स, और इसको देखो प्रेस करने का इसको फर्स्ट बटन है, इसको सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बटन होता है, मतलब उसको हैंडल करने के लिए। यहाँ पर सब लिखा है बैंड, देखो यहाँ पे इसके पीछे लिखा है SW, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ, आपको दिख रहा है देखो SW मतलब फर्स्ट बैंड है, ये देखो H2 बैंड है ना, SW3 ये मीडियम ब्रांड है, देखो पता चला ना, ये नॉर्मल ऑफ करेंगे, देखो यहाँ पे ऑफ भी लिखा है, मतलब ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से ऐसे चालू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर मैं वापस छोटा कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर फिलिप्स भी लिखा है, वो दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कंडीशन में, कहाँ से टूटा नहीं है। मैं अभी कैमरा हटा के आपको चारों बाजू से दिखाता हूँ। इसका वायर भी है देखो यहाँ पर, उसका ओरिजिनल ये नहीं है फिलिप्स का, मुझे तो ऐसे डाउट लग रहा है, ऐसे फिलिप्स का फ्रेंड्स नहीं आता है, फिलिप्स का दूसरा ही ओरिजिनल वायर आता है, ये अंकल ने लगता कोई दूसरा ही लगा दिया। चलो ठीक है, मैं वायर भी ओरिजिनल कर दूँगा। अब मैं चारों बाजू से दिखाता हूँ उसका, मतलब फोटो कहाँ से टूटा नहीं आपको दिखाने के लिए, मेरा मस्त देख सकते फ्रेंड्स। उसका कॉर्नर को मैं दिखाना चाहता हूँ, चेक करके लेना कि उसकी कॉर्नर सही है कि नहीं है। ऊपर से भी दिखा दिया फ्रेंड्स मैंने, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स, और बहुत ही छोटा है ये, आई थिंक 1 फुट का होता है, बोलते हैं ना उसको 1 फुट का होता है, वैसे ही ये एक टाइप का है फ्रेंड्स। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, और सब फ्रेंड को शेयर करना कि ये मतलब ऐसे रेडियो बाय करना होता है, आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ओके बाय फ्रेंड्स।